हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में दिए गए सेंटेंसेस का इंग्लिश अनुवाद सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये रहा, अगर आपने बनाया है तो इससे मैच करके जहाँ पर भी गलतियाँ होंगी वहाँ पर आप सुधार लेना। ओके फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ लेट एंड लेट्स। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी क्लास है जिसमें एक स्ट्रक्चर के साथ हज़ारों सेंटेंस बनाने के तरीके बताए जाते हैं, और आप अगर इंग्लिश सचमुच में बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वे को, इस रास्ते को आप अपनाइए। मैं वादा करता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं। लेट एंड लेट्स, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं? ओके फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। जब भी सेंटेंस के अंत में ने दो, यानी कि उसे आने दो, मुझे खाने दो, उसे सोने दो, उन लोगों को खेलने दो, सारे में ने दो आ रहा है ना, तो ये पहचान है। इस तरह के सेंटेंस जब भी आपके जहन में आए तो समझ लेना कि उसे हम लेट लगाकर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट। ओके, बनाएंगे कैसे इसको? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसे, मुझे, उन लोगों को और हमें, इसमें अगर आए तो इसमें उसे के लिए, मुझे के लिए, उन लोगों के लिए और हमें के लिए क्या लिखेंगे? उसे के लिए हम लिखेंगे हर या हिम। ओके फ्रेंड्स, लड़की होगी तो हर और लड़का होगा तो हिम। मुझे के लिए लिखेंगे मी, उन लोगों के लिए लिखेंगे देम और हमें के लिए लिखेंगे अस। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, अब इस सेंटेंस में ये जो सारे हैं ये ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, उसे, मुझे, उन लोगों को और हमें, मी, हिम, हर, देम एंड अस, ये सब एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसे आने दो, उसे आने दो, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले लेट, सबसे पहले लेट होगा। इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें सबसे पहले आपको लेट लगाना ही है। उसे आने दो, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उसे, जो शुरुआत में आ रहा है वो सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं इसमें, तो लेट हिम कम। दूसरा सेंटेंस है मुझे कुछ करने दो, तो इसमें लेट लगा दिया, फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, यानी कि जो पहले शुरुआत हो रहा है ना वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेट मी डू समथिंग। ओके फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऐसे भी बोलते हैं कि मैं कुछ करता हूँ। ओके, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम लेट का इस्तेमाल करके बनाते हैं ज़्यादातर, जैसे कि मैं कुछ करता हूँ तो लेट मी डू समथिंग हम बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो, मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो। ओके, तो आप मुझे बताना, तो लेट मी नो। हम इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम इस तरह के ही स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि बोलते हैं कि मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, तो लेट मी शो यू माय हाउस, हम ऐसा बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप कल को इस तरह के सेंटेंसेस का इंग्लिश अगर कोई लेट लगाकर बोले तो आप ये मत सोचना कि मैंने तो ने दो बताया था तो फिर इसमें लेट कैसे आ रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी भी था कि ऐसे सेंटेंस को, मुझे आपको अपना घर दिखाने दो, हम इस तरह से हिंदी में नहीं बोलते, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं अपना घर आपको दिखाता हूँ, तो इसलिए हम उसमें लेट का इस्तेमाल करते हैं, बट हिंदी में हम अलग तरीके से बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, मैं तुमको इसके बारे में समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस, इस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, या मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अभी आप समझ गए होंगे। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, उसे मत जाने दो, तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है डोंट लगाते हैं, जो भी हम ये बना रहे हैं इसमें डोंट लगाकर पूरा का पूरा ऐसे ही बना देंगे, डोंट प्लस लेट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो डोंट लेट हिम गो। और जो दूसरा तरीका है, हम पहले लेट लगाकर फिर नॉट लगाएंगे, लेट, सॉरी, जो दूसरा तरीका है लेट लगाकर फिर ऑब्जेक्ट लेट हिम नॉट, फिर उसके बाद टू आएगा, लेट हिम नॉट टू गो। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, लेट हिम नॉट टू गो, डोंट लेट हिम गो, जो आपको इजी लगता है बोलने में वो आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम सीखेंगे लेट्स, यूज ऑफ लेट्स। तो ये सेंटेंस मैंने लिखा है, चलो चलते हैं, आओ खेले,
चलो बाजार चले। ओके, ये सेंटेंस पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेट्स वाले में क्या सेंटेंसेज आते हैं। चलो चलते हैं, आओ खेलें, चलो बाजार चले। जब हम एक से ज़्यादा लोग मिलकर कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो वैसे सेंटेंस में हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये लेट्स है क्या, व्हाट इज लेट्स? लेट्स बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेट प्लस अस, यानी कि हम एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए अस लगाते हैं, तो लेट प्लस अस ये दोनों मिलके लेट्स बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लेट्स मतलब क्या होता है। लेट और अस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लेट्स है। ओके, तो ये सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि चलो चलते हैं मतलब एक से ज़्यादा है वहाँ पे, आओ खेलें मतलब एक से ज़्यादा है, चलो बाजार चले। ओके फ्रेंड्स, तो इसको बनाएंगे हम लेट्स गो, आओ खेलें, लेट्स प्ले, पहले लेट्स लगाना है फिर उसके बाद वर्ब, चलो बाजार चले, लेट्स गो टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रक्चर सीखो, किसी भी एक स्ट्रक्चर को एक दिन में सीखो और उससे बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करके उससे प्रैक्टिस करो। ओके फ्रेंड्स, आप एक दिन में एक स्ट्रक्चर सीख के उससे 40-50 सेंटेंस बनाकर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। अगर आप उसको यूज़ करने लगते हैं रोज़ तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते हैं। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे खाना खाने दो, लेट मी हैव फूड। उसे कुर्सी पर मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सीट ऑन द चेयर, या लेट हिम नॉट टू सीट ऑन द चेयर। उन लोगों को उस मैदान में खेलने दो, लेट देम प्ले इन दैट ग्राउंड। बच्चों को अंदर मत आने दो, डोंट लेट द चिल्ड्रन कम इन, या लेट द चिल्ड्रन नॉट टू कम इन। उन लोगों को बात करने दो, लेट देम टॉक। मुझे उनसे बात करने दो, लेट मी टॉक टू हिम। चलो उसको पीटते हैं, लेट्स बीट हिम। चलो कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग। चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग। चलो उससे मिलते हैं, लेट्स मीट हिम। चलो कहीं चलते हैं, लेट्स गो समवेयर। चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं, लेट्स क्लाइम ऑन दैट ट्री। चलो उस कुत्ते को मारते हैं, लेट्स हिट दैट डॉग। चलो इसे उठाते हैं, लेट्स लिफ्ट इट। राजू को दवाई मत लेने दो, डोंट लेट राजू टेक मेडिसिन। उसे नींद की गोली मत लेने दो, डोंट लेट हिम टेक स्लीप पिल्स। सभी लोगों को खेलने दो, लेट एवरीबॉडी प्ले। मुझे आपके साथ आने दो, लेट मी कम विथ यू। मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, लेट मी शो यू माय हाउस। मैं आपको इस सवाल के बारे में समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस सम्स। उन लोगों को वहाँ से जाने दो, लेट देम गो फ्रॉम देयर। उन लोगों को मेरे पास आने दो, लेट देम कम टू मी। उसे ऐसा मत करने दो, डोंट लेट हिम डू दिस, या लेट हिम नॉट टू डू दिस। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी सेंटेंस क्रिएट कीजिए और सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाइए, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद आपको लेट वाले जो टॉपिक होगी, सेंटेंसेस होंगे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अपने आप खुद ब खुद दिमाग में जैसे ही लेट्स वाले सेंटेंस आएंगे, लेट वाले सेंटेंस आएंगे, उसका इंग्लिश
अपने आप ट्रांसलेट होके बाहर निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस कीजिए। और अब रहा ये सेंटेंसेस आज की होमवर्क, ये सेंटेंसेस हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ कर बना लेना, और नेक्स्ट क्लासेज में जो इसका आंसर दिया जाता है उससे आप मैच करते जाना। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।